Hey, what's up, consumers? This is Prashant. आप देख रहे हो देसी कंज्यूमर। तो यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ एक और मेंस क्लोथिंग शॉपिंग हॉल जो कि फ्लिपकार्ट से है। जितनी भी क्लोथिंग मैंने खरीदी है फ्लिपकार्ट से खरीदी है। इससे एक से डेढ़ हफ्ता पहले मैंने फ्लिपकार्ट मेंस क्लोथिंग शॉपिंग हॉल की एक वीडियो करी थी, तो कह लीजिए ये सेकेंड पार्ट है। उस टाइम पर मुझे सभी क्लोथिंग की डिलीवरी नहीं हुई थी, डिले हुई थी, कुछ प्रोडक्ट मुझे लेट डिलीवर हुए हैं, तो मैंने कहा इसका एक और वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सेकेंड पार्ट है फ्लिपकार्ट मेंस क्लोथिंग शॉपिंग हॉल का। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या क्या मैंने खरीदा है, कितने का मैंने खरीदा है, कैसी क्वालिटी निकलती है, कैसी फिटिंग निकलती है, ये सब हम देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जितने भी मैंने क्लॉथिंग खरीदी है अपनी इंडियन लोकल ब्रांड की खरीदी है, कोई भी बड़ी ब्रांड की नहीं खरीदी है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसी क्वालिटी निकलती है, ब्रांडेड को टक्कर दे पाती है। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अनरैप और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने खरीदा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ब्लैक कलर की हुडी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम प्लेन ब्लैक है, बस आगे से जो है प्रिंट दिया गया है ब्लैक कलर का, जो कि एक शाइनी लुक दे रहा है, एक लेदर फील दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वियर करने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। तो हुडी की जो हाइट है, लेंथ है, मतलब बड़ी है हुडी भी, छोटी नहीं है। कई बार जो है हुडी छोटी आ जाती है स्वेट शर्ट पर, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया बात लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्योर ब्लैक कलर में हमें एक हुडी देखने को मिल जाती है, जिसकी मटेरियल की क्वालिटी मैं कहना चाहूँगा काफ़ी बढ़िया लग रही है। जहाँ तक अभी इसमें लग रहा है, इसमें मिक्स मटेरियल है, पॉलिस्टर प्लस कॉटन। अंदर से बात करें तो यहाँ पर अंदर का जो मटेरियल है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वूलन टाइप नहीं है, एक जो वूलन सा होता है उस टाइप का नहीं है, एकदम मतलब थोड़ा सा रफ, मतलब अच्छी क्वालिटी कह सकते हैं उस टाइप का अंदर से मटेरियल मुझे जहाँ तक फील लग रहा है, ये मुझे इसका मटेरियल लग रहा है अंदर से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अब बात करें ब्रांड की, ब्रांड है मेट्रोनट, ये एक फ्लिपकार्ट की ओरिजिनल ब्रांड है, खुद की ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड है ये एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेट्रोनट। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं प्राइस की, इसका जो MRP है 1999 है, यानी कि 2000 पे, और ये मुझे मिली है 629 रुपीज़ की, जो कि इस प्राइस वैल्यू में वर्थ रखती है। नॉर्मल मार्केट से भी हम लेते हैं तो हमें मिल जाती है इतने प्राइस में अच्छी खासी, लेकिन कई बार जो है मटेरियल अच्छा नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मुझे इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा। वियर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कैसी देखने को मिल जाती है, फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है, साइज़ ये M है। तो रखते हैं इसको साइड पर, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो कर लेते हैं इसे अनरैप। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है एक शर्ट, तो यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक नेवी ब्लू और जो है एक वाइट स्ट्रिप्स में शर्ट देखने को मिल जाती है। ये शर्ट भी काफ़ी ट्रेंड में है पुराने टाइम से और अभी तक ट्रेंड में चलती आ रही है और ट्रेंड में रहेगी भी हमेशा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की हमें शर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लुक दे रही है। ब्लैक जीन्स के साथ, ब्लू जीन्स के साथ काफ़ी बढ़िया लुक देगी ये शर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें पीछे से भी सेम और आगे से भी जो है सेम डिज़ाइन देखने को मिलता है, कोई इसमें कुछ अलग तरह का डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी शर्ट है। तो यहाँ पर ब्रांड की बात करें, हाईलैंडर ब्रांड है, ये भी एक इंडियन ब्रांड है, साइज़ मैंने बाय किया है M। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मटेरियल की, 100% प्योर कॉटन है, मतलब काफ़ी हल्का है, लाइट वेट शर्ट मैं कहना चाहूँगा, और काफ़ी अच्छी शर्ट मुझे लग रही है। तो यहाँ पर मैं आपको वियर करके दिखा देता हूँ कैसा लुक दे रही है, और इसके प्राइस की भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो MRP है 1150 रुपीज़ है, लेकिन मुझे शर्ट मिली है 608 रुपीज़ की, तो इस प्राइस में वर्थ रखती है शर्ट, काफ़ी अच्छी लगी मुझे शर्ट। तो यहाँ पर रखते हैं इसको साइड पर। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या हमें देखने को मिल जाता है। ये तो दिख ही रहा है जींस है। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट की जो रैपिंग है वो नहीं की गई है, सिंपल जो रैप है वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट पैकिंग में देखने को मिल जाती है। तो मुझे मैसेज आ गया था फ्लिपकार्ट की तरफ से कि जो आपको जो पैकेज मिलेगा वो हमारी पैकेजिंग में नहीं मिलेगा, ट्रांसपेरेंट के जो पैकेज में मिलेगा। तो ये इसलिए किया गया था कि थोड़ी कॉस्ट भी कम हो जाए और जो है मटेरियल भी कम यूज़ हो पैकेजिंग वगैरह में, जो कि काफ़ी सही बात है। तो यहाँ पर हमें एक जीन्स देखने को मिल जाती है, जो कि ग्रे कलर की जीन्स है। इस टाइप की जीन्स मैं फर्स्ट टाइम बाय कर रहा हूँ, मतलब ग्रे कलर की जीन्स मेरा काफ़ी टाइम से लेने का मन था, क्योंकि इस जीन्स की खास बात ये है कि ये हर टाइप की शर्ट के साथ चल जाती है, ब्लैक, ब्लू, लाइट कलर हो या डार्क कलर हो, काफ़ी कूल लगती है ये वाली जीन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम प्लेन ग्रे कलर की हमें जीन्स देखने को मिल जाती है, ब्लैक के साथ तो काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। जो मैंने अभी एक हुडी आपको दिखाई थी उसके साथ काफ़ी बढ़िया लगी, मैं आपको वियर करके दिखाऊंगा।
तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं जो देखता हूँ जींस के अंदर, उसका अंदर का मटेरियल सॉफ्ट है या नहीं। अगर सॉफ्ट नहीं होता तो मैं उसे रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें अंदर का मटेरियल जो है सॉफ्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जब भी आप जींस लें ऑनलाइन, सबसे पहले ये चीज़ देखा करिए कि अंदर का मटेरियल सॉफ्ट है या नहीं, क्योंकि समर सीज़न में पहनने में मज़ा नहीं आता, चुभन फील होती है उसकी। और यहाँ पर जो इसकी स्टिचिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया की गई है, ब्लैक कलर की पॉकेट है अंदर से। तो यहाँ पर ब्रांड की बात करें, ब्रांड है हाईलैंडर, जिसकी अभी मैंने शर्ट आपको दिखाई थी उसी ब्रांड की हमें जींस देखने को मिल जाती है, इंडियन ब्रांड है ये भी। यहाँ पर साइज़ की बात करें, साइज़ मैंने बाय किया है 32। लास्ट वीडियो में मैंने 30 साइज़ लिया था, दो जींस मैंने आपको अनरैप करके दिखाई थी, तो यहाँ पर मैंने इस बार 32 लिया है। तो यहाँ पर मुझे 30 भी सही आता है, 32 थोड़ा सा लूज़ होता है, बेल्ट से काम चल जाता है, तो ये इससे बेल्ट से काम चलाना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं प्राइस की, इसका जो प्राइस है 1299 है, यानी कि 1300 रुपीज़, लेकिन ये मुझे मिली है 650 रुपीज़ की। इतने प्राइस में एकदम फाइन मैं कहना चाहूँगा, जिस टाइप का हमें मटेरियल क्वालिटी और जो है फिटिंग की, अभी मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ, मटेरियल वाइज और प्राइस वाइज मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। इंडियन ब्रांड है, काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर ब्रांडेड जींस को टक्कर दे रही है इस प्राइस रेंज। यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं मैंने क्या खरीदा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसे अनरैप। तो यहाँ पर भी मैंने एक शर्ट खरीदी है, निकाल लेते हैं इसे बाहर। यहाँ पर मैंने एक मेहरून कलर की जो है शर्ट खरीदी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला कलर भी मैं फर्स्ट टाइम खरीद रहा हूँ। ये शर्ट मैंने इसकी इसलिए खरीदी है दिवाली पर पहनने के लिए, मतलब दिवाली पे रेड और गोल्डन टाइप का कलर काफ़ी बढ़िया लगता है, तो ये मैंने मेहरून कलर की शर्ट खरीदी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रही है, ब्लैक ट्राउज़र हो या फिर ब्लू जीन्स हो, ब्लैक जीन्स हो, उसके साथ काफ़ी बढ़िया लगने वाली है। तो यहाँ पर जो ब्रांड है डेनिस लिंगो, लास्ट वीडियो में मैंने इस ब्रांड की जो है शर्ट खरीदी, मुझे स्टफ़ अच्छा लगा था, तभी मैंने सेम ब्रांड की ऑर्डर करी थी दोबारा से। तो यहाँ पर साइज़ जो मैंने पहले वाली शर्ट ली थी, इस वाली शर्ट का जो साइज़ है सेम लिया है, एम साइज़ लिया है, एम साइज़ प्रॉपर आता है मुझे। अगर आपकी जो हेल्थ है और जो फिजिक है मेरे जैसे, तो एम साइज़ आपको एकदम परफेक्ट आएगा अगर आप ऑनलाइन फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हैं। अगर नहीं भी आया तो ईजी रिटर्न रिप्लेस आप कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो ईजिली आपका एक्सचेंज हो जाएगा जो भी साइज़ आप लेना चाहते हैं, अदरवाइज ईजिली 15 डेज़ के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पर प्राइस की बात करें, इसका जो प्राइस है 1849 है, और जो एक्चुअल प्राइस है जितने मैंने खरीदी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो काफ़ी सही प्राइस पे ये शर्ट है, इतने प्राइस पर नॉर्मली मार्केट से मिल जाती है, लेकिन कई बार जो है क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसकी मटेरियल की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, 100% प्योर कॉटन है। फिटिंग कैसी आई है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी शर्ट डेनिस लिंगो की। इसमें जो शर्ट्स हैं और भी कलर्स में अवेलेबल हैं, इस मतलब सेम डिज़ाइन में कम से कम 15 कलर्स अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। पर जितने भी क्लॉथिंग मैंने खरीदी है मुझे सारी बढ़िया लगी, सभी मैं रखने वाला हूँ, कोई भी रिटर्न या रिप्लेस करने का कोई चक्कर नहीं है, सभी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो यहाँ पर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं सेम टाइप का, सभी के बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वालिटी वाइज बेफिक्र रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इंडियन ब्रांड्स है, अपनी इंडियन लोकल ब्रांड्स हैं, तो आप इन्हें ज़रूर खरीद सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा, क्वालिटी को लेकर बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस टाइप की वीडियोस और इससे भी अलग टाइप की वीडियोस देखने को मिलेंगी, रिव्यूज वीडियोस देखने को मिलेंगी। और यहां पर एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, हमारा देसी कंज्यूमर का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर सस्ते दाम पर आप प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर लूट डील्स आपको देखने को मिलेगी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।